हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, ये गंगा नर्सरी का ऋषिकेश का मैं आपको छोटा सा टूर कराने वाली हूँ। और यहाँ पे इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट और बास्केट सभी तरह के प्लांट है, परमानेंट प्लांट सभी तरह के मिलेंगे यहाँ पे। तो मैं छोटा सा टूर कराने वाली हूँ। ये देखो, ये सावनी का प्लांट है और ये रेड कलर का कुछ है इसमें, देखो फूल। और मेरे पास भी है जो मैंने दिखाया आपको। और ये देखिए, यहाँ पे ये कुछ लाल, डार्क लाल है, ब्लैक, मतलब ये भी दो वैरायटी के हैं यहाँ पे। और कितना सुंदर रेड कलर का फूल है इस पर, ये देखो बहुत सुंदर है ब्लैक वाला, तो ये भी ले सकते हैं। और ये यहाँ पे ये 200-250, ये 350 के बड़े बड़े हैं यहाँ पे काफ़ी, तो ये भी ले जा सकते हैं। अच्छे प्लांट आए हुए हैं यहाँ पे नर्सरी में। ये गंगा नर्सरी है। और यहाँ पे ये आलमंडा का, तो ये पिंक वाला है, देखिए काफ़ी सारे प्लांट है। ये 120 रुपये का प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट है, अच्छी प्लांट है, ग्रोथ इनकी अच्छी लग रही है मुझे। ये देखिए फूल भी आए हुए हैं इनके, ये फूल ही आए हुए हैं इनके खूबसूरत, तो इन्हें भी ले सकते हैं। और यहाँ देखिए ये भी, ये 200-250 इस तरह के हैं, और सारे रेड फूल अच्छे लग रहे हैं इनके भी, देखो। और यहाँ ये क्रोटोन के बारीक वाला क्रोटोन आए हुए हैं, तो ये देखिए ये भी काफ़ी सारे आए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तुलसी जी भी है, और यहाँ पे पपीता भी है। ये फल के प्लांट भी है, देखो पपीता है, अमरूद है, और ये रात की रानी भी है यहाँ पे, देखो सभी प्लांट है, काफ़ी सारे प्लांट है यहाँ पे। और पीछे है आपका साइप्रस, गोल्डन साइप्रस, ये काफ़ी सारा है। और ये देखिए यहाँ पे, और ये ब्लू कलर का टोर्निया है, ये देखिए ये भी कलर बहुत ही प्यारा है, पर्पल कलर, ये पर्पल कलर के। ये टोर्निया के कितने के है भैया? ये 20 रुपए का प्लांट है। और यहाँ ये थूजा का है, और ये भी काफ़ी सारे हिबिस्कस के हैं, फूल भी आ रहे हैं, बर्ड्स भी आ रहे हैं, तो ये ले सकते हैं। यहाँ पे देखो कितना सारा, और ये पाम है, ये डार्क वाला ड्रेसिना है, ब्लैक बहुत अच्छा सा है। और यहाँ ये मधुमालती है, ये देखो वहाँ पे दीवार के पास फूल भी आ रहे हैं उस पर। और ये पत्ती वाला भैया, ये कितने का है? ये रेड पत्ती और ये पिंक वाली है, ये वाला 80 रुपए का। यस, इसका नाम क्या है? एक्लिफा है? अच्छा एक्लिफा है, ये एक्लिफा है, 80 रुपये का। मैंगो का भी है ये देखो। और यहाँ पे ये तुलसा जी हैं, ये दूसरी वाली है, तो प्लांट काफ़ी आ गया। मैंने पहले भी दिखाई थी यहाँ की नर्सरी, तो उस समय ये नहीं था, दूसरा थे, दूसरे प्लांट थे। और ये आपका ये भी है, ये महात्मा जो बोलते हैं, बहुत सुंदर कलर लगता है इसका, और इसे भी सूप माना जाता है, घर में रखने से भी ले सकते हैं। और यहाँ ये भी है, ये देखो ड्रेसिना की वैरायटी, अलग अलग कुछ इस तरह है। ये तो ऊपर का एरिया है, और नीचे का भी मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखिए ये साइप्रस रखे अलग अलग, अब मैं नीचे जा रही हूँ, तो ये देखिए नीचे का कुछ इस तरह का है। और ये नर्सरी बिल्कुल गंगा जी के तट पर है, ये देखिए जो त्रिवेणी घाट, ये वहीं का सीन दिखाई दे रहा है। इसकी भी बास्केट तैयार कर सकते हैं, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये रियो प्लांट। और ये देखो ये पत्ती वाला, ये भी कितना खूबसूरत प्लांट लग रहा है इसमें, तो बहुत सुंदर है, ये भी इसी तरह का है ये देखो। और ये फर्न का भी कितना प्यारा सा लग रहा है। और इधर देखो बास्केट यहाँ पर बहुत है, ये बास्केट कितनी प्यारी प्यारी है, आप भी बना सकते हो इस तरह की बास्केट, बहुत खूबसूरत बास्केट है ये। और अभी भी समय है बरसात में, आप बास्केट बना सकते हैं, कितनी खूबसूरत बास्केट है, इस तरह आप बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये विगोनिया का है, फूल भी आ रहे हैं यहाँ। और वहाँ पे आपकी एग्लोनिमा रखी, कितने खूबसूरत दोनों कलर हैं, ये देखो ये तो ग्रीन और ये वाला है क्रीम कलर का, और ये रेड कलर का है, पिंक भी है, दोनों तीनों कलर हैं। और मुझे सबसे अच्छा इसमें ये वाला लगा, ये पत्ती वाला। तो देखिए यहाँ पे
ये अलग तरीके का है, ये देखिए महात्मा जी बोलते हैं जिसको, और ये दूसरा वाला है। दो वैरायटी हैं यहाँ पे, अलग अलग हैं। तो ये कुछ और है, ऐसे लग रहा है जैसे केला होता है, केले की तरह वैरायटी है ये भी, लेकिन इसका मुझे नाम नहीं पता। आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करना। ये देखिए यहाँ का लुक कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। वो सांडा का कितना खूबसूरत फूल लग रहा है, बहुत सुंदर है। ये भी उसी के हिसाब से है जैसा इनका ग्रोथ है, कोई 150 कोई 250 इस तरह से है। ये भी 250 का है, तो कितना खूबसूरत है। अलग अलग में यहाँ पे कुछ, यहाँ पे गुलाब भी रखे हैं, और यहाँ पे ये देखिए इस पर ये गार्डनिया है जिसे इंद्र कमल भी बोला जाता है। ये बहुत खुशबू वाला प्लांट होता है। देखो अब इसमें इस पर 12 महीने लगते हैं, कुछ पे तो मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है, और कुछ पे ये बरसात में भी लगते हैं। इस पर देखो ये बरसात वाले हैं, ये 12 महीने का प्लांट होता है, ये भी परमानेंट प्लांट होता है। इसे भी आप बाय कर सकते हैं। कलियाँ बनी हुई हैं इस पर काफ़ी सारी, इतने सारे रखे हुए हैं ये देखो। और यहाँ पे देखो वेरीगेटेड कितना खूबसूरत प्लांट ये लग रहा है अरेलिया को। और ये एरोकेरिया है, बड़े बड़े प्लांट भी हैं यहाँ पे। अगर बड़ा घर है आपको बड़ा बड़े प्लांट लगाने हैं तो ये देखो ये कलर वाले हैं। ये देखो ये थूजा है, दो कलर में दिखाई दे रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये काली तुलसा जी है, ब्लैक वाली श्यामा तुलसा जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए रबड़ प्लांट भी है, और काफ़ी सारा यहाँ पर प्लांट आया हुआ है। और ये देखिए बड़ा वाला कितना बड़ी बड़ी लीफ का है वहाँ पे। ये ऐसी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ बड़ी बड़ी है, ये देखो लीफ का तो बड़ा अच्छे से है सारे प्लांट। ये देखिए वो कलर पत्ती वाला, वो कितना खूबसूरत लग रहा है, वो जैसे डेवन बेकिया होता है। ये डेवन बेकिया इस तरह का है, और ये वाला दूसरे कलर का लग रहा है। ये देखो ये रेड है इसमें लाइन, तो मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक ले जाती हूँ वहाँ पे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे ये बड़ी बड़ी लीफ के हैं, ये देखो ये डेवन बेकिया ही हैं ये वाले, और ये वाले ये देखो ये लीफ के अलग अलग हैं यहाँ पे। ये सारे जैसे इंडोर प्लांट है यहाँ पर, तो ये जितना यहाँ पर रखा है ये सारा इंडोर प्लांट ही है। ये देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और ये देखिए सारा ये इतना जितना यहाँ पर रखा है सब ये इंडोर प्लांट है। और ये आउटडोर में भी रख सकते हैं ये जो, ये देखो। और मैं आपको इनकी अभी बास्केट भी दिखाने वाली हूँ, बास्केट बहुत खूबसूरत है इनकी। तो ये देखिए यहाँ पे ये फर्न की, ये देखो ये फर्न की बास्केट है। और यहाँ पे देखो ये पत्ते वाली है, कितना खूबसूरत बास्केट है ये देखो। और एक इधर भी है, ये देखो ये छिपकली बेल जैसी मैं, मेरे पास भी है छिपकली बेल। और यहाँ पे ये देखो इधर ये भी है, ये देखो कितनी खूबसूरत बास्केट है स्पाइडर वाली, इस पर लटके हुए हैं ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये छोटे छोटे ये देखो सिंगोनियम का है, ये कितनी खूबसूरत लग रही है बास्केट। और यहाँ पर भी एक सिंगोनियम की, ये छोटी पत्ती वाली है, और इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ बहुत है इसमें, देखो पूरा भरा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर ये भी है देखो, ये मेरे पास भी है, इसका मैं नाम भूल जाती हूँ। और ये पूरा इसने जो है बास्केट कवर कर रखा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक इधर भी है ये सिंगोनियम की, इन्होंने काफ़ी सारी ये और भी भरा हुआ है बास्केट, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इधर पाम की वैरायटियाँ हैं और अलग अलग हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी बास्केट और दिखाती हूँ सिंगोनियम। और ये देखिए कितनी सुंदर लीफ का है ये। और यहाँ पर भी ये सिंगोनियम है बास्केट, बहुत सुंदर। ये पत्थर चटा है, ये औषधि प्लांट है, इसको भी आप ले सकते हैं, ये भी अच्छा रहता है घर में इस तरह के प्लांट हमारे घर में। और यहाँ पर देखो पान भी, अगर आपको चाहिए तो पान भी ले सकते हैं, ये पान की बेल है। और ये देखिए अलग अलग है,
ये बड़ जिसे कहते हैं बट वृक्ष, ये वो है, पूजा में भी काम आता है। यहाँ पे काफ़ी सारी बास्केट और ये गमले छोटे बड़े और डिजाइन वाले सभी तरह के हैं। ये देखो तो इनके रेट सबके अलग अलग हैं। ये 70 रुपये की टोकरी है और ये कोई 80 का है, कोई 60 का, कोई 70 का, अलग अलग रेट के हैं सब, बड़े छोटे साइज के हिसाब से। भैया ये कितने का है ये वाला, ये गमला कितने का, येलो कलर का है? 150 रुपये। 150 रुपये के हैं, तो सबके अलग अलग साइज के हिसाब से रेट है। ये देखिए यहाँ का लुक कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी लाइक करें, पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।